हेलो गाइस, आप सभी का बाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है राजमा बनाना, तो आइए बनाते हैं राजमा। राजमा बनाने के लिए ये हमने एक गिलास राजमा लिए हैं, इनको हमने भिगो दिया था और इनका हमने पानी निकाल लिया है। सबसे पहले मैं राजमा को उबालने रखूंगी। ये मैंने एक कुकर लिया है और राजमा को कुकर के अंदर डाल दूंगी मैं। अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी। ये पानी मैंने 3 गिलास पानी लिया है। अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, स्वाद अनुसार नमक डालूंगी और कुकर को मैं बंद कर दूंगी और राजमा को उबलने तक का इंतजार करूंगी। और इसमें मैं 4 से 5 विसल आने का इंतजार करेंगे हम। जब तक हमारे राजमा उबलते हैं तक हम ये मसाले चेक कर लेते हैं। ये मैंने 1/4 चम्मच नमक लिया है, ये मसाले में नमक डालूंगी मैं। और ये मैंने 1 चम्मच जीरा लिया है, 10 से 15 मैंने ये काली मिर्च ली है और 4 से 5 मैंने लौंग ली है और 1/2 चम्मच मैंने देगी मिर्च पाउडर लिया है और 1/2 चम्मच मैंने गरम मसाला और 1/2 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है। ये मैंने 3 प्याज लिए हैं, इनको बारीक कट कर लिया है। 4 टमाटर लिए हैं, इसको मैंने मिक्सी में पीस लिया है। और ये मैंने एक बड़ा अदरक का टुकड़ा लिया है जिसके मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। 10 से 15 मैंने लहसुन की कलियाँ ली हैं, 5 से 6 मैंने हरी मिर्च ली है। इसमें सबको मैं कूट लूंगी अच्छे से। फिर मैं ये जीरा भी डाल दूंगी। बिल्कुल अलग तरीके से मैं राजमा बनाऊंगी और ये काली मिर्च और लौंग भी इसमें डाल दूंगी। इसे मैं दरदरा कूट लूंगी और ये हमारा दरदरा अच्छे से कूट चुका है, इसे थोड़ा सा और कूट लूंगी मैं। और ये हमारा मसाला कूटकर तैयार हो चुका है। ये हमारे कुकर में 5 से 6 सीटी आ चुकी हैं और गैस को मैंने बंद कर दिया है। निकलने तक का मैं इंतजार करूंगी। जब तक हमारी विशल निकलती है तब तक मैं मसाला भूनकर तैयार कर लेती हूँ। ये मैंने एक कढ़ाई ली है, अब कढ़ाई में मैं ऑयल डालूंगी। ऑयल हमारा गरम हो चुका है, अब मैं इसमें चुटकी भर हींग डाल दूंगी। साथ ही मैं ये बारीक कटे हुए प्याज डाल दूंगी और इन्हें भून लूंगी मैं प्याज को। और ये हमारे प्याज भुनने लगे हैं। और ये हमारे प्याज भुन चुके हैं। ये मसाला में जो मैंने दरदरा कूटा था ये मसाला इसके अंदर डाल दूंगी। मैं अच्छे से भून लूंगी मसाले को। ये हमारे प्याज अच्छे से भून चुका है, अदरक हरी मिर्च भी भून चुकी है। अब मैं इसमें ये हल्दी पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर और ये 1/4 चम्मच नमक, ये मैंने मसाले के अकॉर्डिंग नमक लिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अब मैं इसमें ये टमाटर डाल दूँगी। मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी पानी और मसाले को अच्छे से पकने दूंगी। और ये हमारा मसाला अच्छे से भूनकर तैयार हो चुका है। और इधर हमारी कुकर की विशल निकल चुकी है, अब हम राजमा को चेक कर लेते हैं। और ये हमारे राजमा अच्छे से उबल कर तैयार हो चुके हैं और हमारे मसाले ने ऑयल भी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब मैं ये राजमा इसमें डाल दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी मैं राजमा को। हमारे राजमा अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, अब मैं इसे 2 से 3 मिनट इसे मसाले के अंदर ही राजमा को पकने दूंगी। तो आइए चेक करते हैं।
बनकर अच्छे से तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसमें ये गरम मसाला डाल दूंगी आधा चम्मच, और साथ ही मैं इसमें हरा धनिया डाल दूंगी और इसे फिर से मिक्स करूंगी मैं। और अब मैं इसे एक बाउल में सर्व करूंगी। गैस को मैं बंद कर देती हूँ। और ये हमारे राजमा बनकर तैयार हो चुके हैं। मैंने इन्हें चावल के साथ सर्व किया है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।